19 साल तक सिर्फ इस राज्य का दोहन किया गया, जनता का वोट लूटा गया और इस राज्य को लुटवाया गया, इस राज्य के आम आवाम को, गरीब जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जब अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, ऐसी ऐसी योजनाएं लागू कर रही हो रही हैं जिससे सीधे सीधे हमारे झारखंड के गरीब गुरबा, यहाँ के दलित शोषित जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, के जो राग अलाप रहे हैं हमारे विपक्ष के साथ ही, वो अपने युवाओं का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने राजनीतिक हित के लिए करते हैं, उनके हितों अधिकारों की भी मर्यादा नहीं रख पाते हैं। खूंटी से लातेहार, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, खूंटी, बस लगभग 12 से 15 जिलों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरीय पदाधिकारीगण और जो राज्य स्तर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, वर्तमान में हैं, और छात्र छात्राएं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में भरोसा और विश्वास जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। काम से प्रभावित होकर युवा सरकार की तरफ आ रहे हैं? निश्चित रूप से। आज तक जो इस राज्य में नहीं हो पाया, उस राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से कराया गया था, उसकी ओर हम बहुत तेज़ी से लगभग हम पहुंच चुके हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में। भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों युवा आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे मुख्यमंत्री आवास पर मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित था। गढ़वा से करीब 200 की संख्या में युवा पहुंचे थे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। बीजेपी के छात्र विंग के लोग JMM शामिल हो गए, ऐसा क्या कर दिया आप लोग? देखिए, गढ़वा ही नहीं, ये आपने जो कहा कि गढ़वा से 200 और दूसरे जमशेदपुर से, खूंटी से, लातेहार, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, खूंटी, बस लगभग 12 से 15 जिलों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरीय पदाधिकारीगण और जो राज्य स्तर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, वर्तमान में हैं, और छात्र छात्राएं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में भरोसा और विश्वास जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो राग अलाप रहे हैं हमारे विपक्ष के साथ ही, वो अपने युवाओं का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने राजनीतिक हित के लिए करते हैं, उनके हितों अधिकारों की भी मर्यादा नहीं रख पाते हैं, तो और उसी से कहें तो विमुख होकर और आज लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से पिछले दिनों युवा आक्रोश रैली निकाली गई, कहा गया कि न नौकरी मिल रहा है, न भत्ता मिल रहा है, युवाओं के लिए के साथ छलावा कर रही है ये सरकार। आप भी कवर किया होगा उस न्यूज़ को, आपने भी, उसमें युवा कितने थे इसकी गिनती भी की होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि उस रैली में 10% भी युवा होंगे, 90% लोग जो बुजुर्ग और प्रौढ़ कहेंगे सारे लोग थे और सारे नेता थे। तो आपको लग रहा है कि काम से प्रभावित होकर युवा सरकार की तरफ आ रहे हैं? निश्चित रूप से, और आप भी देख रहे हैं, आप भी आकलन कर रहे हैं, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं कि आज तक जो इस राज्य में नहीं हो पाया, उस राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से कराया गया था, उसकी ओर हम बहुत तेज़ी से लगभग हम पहुँच चुके हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में। 19 साल तक सिर्फ इस राज्य का दोहन किया गया, जनता का वोट लूटा गया और इस राज्य को लुटवाया गया, इस राज्य के आम आवाम को, गरीब जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। तो आज जब अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, ऐसी ऐसी योजनाएं लागू कर रही हो रही हैं जिससे सीधे सीधे हमारे झारखंड के गरीब गुरबा, यहाँ के दलित शोषित जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ऊँची जाति के जो गरीब लोग हैं, उनके घर रोशन हो रहे हैं, उनके घर सुविधाएँ पहुँच रही हैं। तो ये सरकार की जो सोच होनी चाहिए, लोग प्रभावित होकर और तेज़ी से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर और गठबंधन की ओर जुड़ रहे हैं। अभी और बहुत कुछ है सरकार के पिटारे में, कल तो कहा गया कि एकदम खजाना खोल दिया गया। निश्चित रूप से, खजाना किसके लिए, खजाना किसका है? खजाना राज्य की जनता का है और राज्य की जनता के हितों के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। और उसका परिणाम है कि जब जब भी कोई
हमारी कैबिनेट की बैठक होती है तो राज्य के राज्यवासियों को तोहफा मिलता है, और आने वाले भी अभी मुझे लगता है कि जो भी कैबिनेट की बैठकें होंगी उसमें अभी हम लोगों ने जलसहिया बहनों को मानदेय स्वीकृत करने का काम किया, स्वास्थ्य सहिया बहनों का मानदेय बढ़ाने का काम किया, हम लोगों ने वकीलों का 15,000 रुपया उनका पेंशन हम लोगों ने कर, जो पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जब हम जो 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 इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका पूरा भारतवर्ष उसका अनुकरण करेगा, तो निश्चित रूप से ये जन सरोकार की सरकार है और जनता के हितों अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार है। तो स्वतः स्फूर्त ऐसी योजनाएं दिमाग में आती हैं जिसका लाभ अंतिम पंक्ति के लोगों को मिलता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.